हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सादा पैजामी की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और इस कपड़े में देखिए कढ़ाई है नीचे की तरफ। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी कढ़ाई है। तो नीचे की तरफ हम इसमें पोंचे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है फोल्ड करके। यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमारी गुलाई है इसको बिल्कुल एक बराबर अच्छे से बिछा कर रखना है। अब हम यहाँ पर पैजामी की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम इसकी रखेंगे 37 इंच। तो 37 इंच पर हमें निशान लगाना है, ठीक है। और 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो एक निशान हमें 38 इंच पर लगाना है और यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 16.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। और यहाँ से आसन की लंबाई नापेंगे। तो आसन की लंबाई हम यहाँ पर 14 इंच रखेंगे। तो 14 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर पैजामी की मोरी हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1 या 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर फोल्ड करके कट लगा देना है, इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पैजामी की कटिंग कर ली है, ठीक है। एक साथ में मैंने 2 पल्ले की कटिंग करी है। अब हम यहाँ पर म्याने की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और इस तरह से तिरछे में कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर म्याने की कटिंग कर ली है, ठीक है। इसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 5.5 इंच है। अब हम यहाँ पर 1 पल्ले को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे। तो जो हमारी आसन की लंबाई 14 इंच है, वहाँ पर हमें इस तरह से म्याने को रख लेना है, ठीक है। और इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे। इसमें हमें कुछ इस तरह से दाब सिलाई को भी लगा देना है। अब हम यहाँ पर 2 पल्ले को लेंगे और इसको भी हमें कुछ इस तरह से मिलाकर रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगा देंगे बिल्कुल नीचे तक। फिर हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 1 म्याने को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर 2 पल्ले पर भी म्याने को कुछ इस तरह से रखेंगे सीधी तरफ से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर कट हमारा जो 2 इंच पर है तो उतना फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहीं पर हमारी डोरी डाली जाएगी। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखना है कि हमें 2 इंच तक ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ऊपर की तरफ भी कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों म्याने को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग भी कर लेते हैं। नीचे की तरफ हमारी डिजाइन है तो इसीलिए हम यहाँ पर पोंचे को नहीं बनाएंगे। तो पोंचे की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमें सिलाई लगा देनी है, ठीक है। एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसी तरीके से हमें डबल सिलाई को भी लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी जो सादा सलवार है वो सिलकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप भी सलवार बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।